एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है बैंक एग्जाम क्वेस्ट में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, आप अपने चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हैं। प्लस आपको डाउट सेशन भी होता है हर सेशन के बाद, तो ये एक प्लस पॉइंट है। देन स्ट्रक्चर कोर्स, जो भी सिलेबस है वो तो पढ़ते हैं, जो टीचर जो भी सेशन लेते हैं उस बेस्ड एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते रहते हैं। जितना हो सके आप लाइव टेस्ट और क्विजेज दीजिए, प्लस मॉक टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, तो आपके पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास को किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाते, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिए जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मंथ के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो बेस्ट प्लान है वो 12 से 24 मंथ का, ये लॉजिकल और सेंसेबल है, क्योंकि आपको खुद भी एग्जाम क्रैक करने में साल से 2 साल का समय लगता है, तो प्लान भी वैसा ही होना चाहिए जो आपकी नीट को समझे। इसमें फ़ायदा क्या है, सारे टॉप एजुकेटर्स जो भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश के हैं उन सभी का क्लास आपको मिल जाएगा। प्लस आप अपनी चॉइस के फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विजेज, ये सब रेगुलर बेसिस पे होता है, और मॉक टेस्ट अपडेटेड मटेरियल हमेशा मिल जाएगा। सारे सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाते, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर इस कोड का यूज़ कीजिएगा तो और फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 6,000 का जो कोर्स है वो 5,400 और 7,200 का कोर्स है वो 6,480 में मिल जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना विच कंप्लीटेड 6 ईयर रिसेंटली वॉज लॉन्च इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना विच कंप्लीटेड 6 ईयर रिसेंटली वॉज लॉन्च इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए 2014, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। पूरे देश का आम नागरिक, तो ये स्कीम का भी नाम याद रखिएगा, उड़ान का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर क्या हो जाएगा, 78, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौलमी घटक हु हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी शूटिंग और डी आर्चरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी टेबल टेनिस, ठीक है। फोर्थ वन है, विच बैंक हैज अनाउंस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ एडोबे टू इनहांस द डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कस्टमर, ए एक्सिस बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी यस बैंक और डी एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ए दलाई लामा, बी श्री रविशंकर,
उसके बाद सी है दंदपानी और डी आचार्य प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ए दलाई लामा, नाम जानते होंगे इनका। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट विल स्टार्ट अरुणोदय स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, साक्षी का 5 का ए है, बिल्कुल सही है। 6 का बताइए अब साक्षी। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी आसाम। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सही है, आसाम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विनय सिंह, आयशा अहलुवालिया, प्रमोद भसीन और शशांक अय्यर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, प्रमोद भसीन। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू मिंट अ कॉइन टू ऑनर महात्मा गांधी, ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी साउथ अफ्रीका, सी फ्रांस और डी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे हिसाब से ये तो याद ही होगा। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू मिंट अ कॉइन टू ऑनर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या हो जाएगा? डी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 9th, विच स्टेट चेस एसोसिएशन होस्टेड एन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट टू रेज फंड्स फॉर सीएम COVID-19 रिलीफ फंड। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर क्या हो जाएगा? Which state chess association hosted an online chess tournament to raise funds for CM COVID-19 relief fund? Question number 9th का आंसर क्या हो जाएगा? B कर्नाटका, ठीक है। Question number 10th, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced rupee dollar FANO contract on BSE NSE platform. What does FANO stand for? क्वेश्चन नंबर 10th, दसवां का आंसर क्या हो जाएगा? ए फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 11th, हु हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 11th, Who has taken charge as Director General of Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment? Eleventh का आंसर क्या हो जाएगा? DPS नेगी। बारवां, Who is the current President of International Hockey Federation? That is FIH. Who is the current president of FIH? 11th का बी साक्षी बता रही है, 12वां का बताइए साक्षी। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ FIH कौन है? क्वेश्चन नंबर 12th, बी नरेंद्र बत्रा, बिल्कुल सही है। 13th, The Ministry of Health and Family Welfare has launched which app to generate data on acceptance and uses of Ayush advocacies? Question number 13th. Tenth का आंसर क्या हो जाएगा? Question number 13th का आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी का आंसर आ रहा है ए आयुष संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 14th, हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोन्ड डैश डॉक्टर ऑथर पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन। क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड
अभी रिसेंटली वॉज अ रिनोन्ड फोर्टींथ का हो जाएगा डी हिस्टोरियन, ठीक है। 15 बनेगी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइसिलिन आर द टाइप ऑफ विच ड्रग। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइसिलिन आर द टाइप्स ऑफ विच ड्रग्स। टीवी ड्रग्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशान हैज लॉन्च विच हेल्पलाइन फॉर काउंसलिंग ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सही है, भरोसा। 17, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू प्रिपेयर एसओपी फॉर परचेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी रोहित भारद्वाज। 18th, विच एयरपोर्ट हैज वॉन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 18th, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी का 18 का बी आ रहा है, आंसर होगा ए कैंपीगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंटली डैश टीम अप विद हुंडई मोटर टू डेवलप इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइनटीन्थ का आंसर बताइए। साक्षी का 19th का आंसर है, आंसर होना चाहिए ई फास्ट ट्रैक, ठीक है। साक्षी डी दे, हाँ बिल्कुल सही है, ऊबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लिफ्टेड 95th एडिशन ऑफ हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस टाइटल। क्वेश्चन नंबर 20, बीस का आंसर क्या हो जाएगा? डी मगेश चंद्रन। 21, व्हाट एडिशन ऑफ बक्सा बर्ड फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए साक्षी। इक्कीस का आंसर होगा सी फोर्थ। 22, नसीम अल बहर इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन ओमान एंड इंडिया, विच इंडियन नेवल शिप्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए।
आंसर क्या होगा? डी INS सुभद्रा। 23rd, the Reserve Bank of India has amended the KYC norms allowing bank and other lending institution to use VSIP. What does C mean in VSIP? Question number 23. साक्षी का 22 का डी बिल्कुल सही। 23 का बताओ साक्षी। इसका आंसर हो जाएगा कस्टमर। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रख लेना, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। 24th, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल इंडेक्स फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2019? क्वेश्चन नंबर 24th, चौबीस का बताइए। 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो रिसेंटली? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आंसर क्या हो जाएगा 25 का? सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 26, बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस बेटर सोसाइटी वॉज द थीम ऑफ डैश एडिशन ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 18th। 27, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवॉर्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020? 26 का साक्षी का ए है। ठीक है, 27वां में नहीं साक्षी, इंदौर, डिब्रूगढ़, मंडी, जयपुर। आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग रायसीना डायलॉग? रशिया, ईरान, इंडिया और जापान। 27 का आप बता रहे हो सी, 28 का बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए। तो इसका होगा इंडिया। 29, विच अमंग द फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड DHFL जनरल इंश्योरेंस? 29 का आंसर बताइए। 29, आंसर क्या हो जाएगा इसका 29 का? डी सचिन बंसल। क्वेश्चन नंबर 30, NPCI विल बिल्ड इट्स ए स्मार्ट डेटा सेंटर इन विच सिटी एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 करोड़? क्वेश्चन नंबर 30, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद रखिएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। आंसर होगा हैदराबाद। 31, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 36 डेज?
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 36 डेज? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश सुतार. विच स्टेट हैज सस्पेंडेड कांवर मेला इन वेकअप ऑफ COVID-19? क्वेश्चन नंबर 32. बत्तीस का आंसर क्या हो जाएगा? बी उत्तराखंड. 33 द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एकेडमिक बिल्डिंग हैव बीन नेम्ड विच पॉलिटिशियन? क्वेश्चन नंबर 33. 32 का बी बता रही है, वो तो सही है. 33 का बताइएगा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी. नेम द यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर हु लॉन्च एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन रिसर्च पोर्टल रिसेंटली. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. 34 रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी. वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार. क्वेश्चन नंबर 35 आंसर क्या होगा इसका? बिहार. ठीक है, तो सब यहाँ पे फेमस ही है. पंत, गौतम बुद्ध, ये सब सारे क्या है? गौतम बुद्ध नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क. क्वेश्चन नंबर 36. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? रोम, वियना, हेग और बर्न. क्या हो जाएगा इसका? इवन IFAD का भी यहीं पे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा? रोम. क्वेश्चन नंबर 37. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 37 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान. क्या होगा इसका? फोर्थ, राजस्थान. 38 संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच स्टेट? संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 38 पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा गोवा. 38 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 39. नेम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. क्वेश्चन नंबर 39 आंसर क्या होगा? सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड. क्वेश्चन नंबर 40. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा लोकेटेड? लाओसने, स्विट्जरलैंड, बुडापेस्ट, हंगरी, पोर्ट स्पेन, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो और मॉन्ट्रियल, कनाडा. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा. 40 का बताइए. इवेंट ICAO का भी हेडक्वार्टर यहीं पे. अब बताइए. क्वेश्चन नंबर 40 आंसर होगा डी, मॉन्ट्रियल, कनाडा. सेशन पसंद आए तो बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो ले लीजिए. तो ये कोड यूज कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, तो जो भी सेशन आएंगे उसके बारे में अपडेशन पहले से मिल जाएगा. प्लस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपको अपडेट किए जाएंगे. तो डेली 4 PM का सेशन ले लीजिए और पुराने सेशन भी वॉच किया कीजिए. तो आज के लिए बच्चों इतना ही था. थैंक यू. थैंक यू साक्षी.